अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर, अगर हम जूम की क्लास को मोबाइल की बजाय कंप्यूटर या लैपटॉप पर ज्वाइन करना चाहें तो उसका क्या तरीका है? कंप्यूटर या लैपटॉप से जूम की क्लास को ज्वाइन करने के लिए हम जूम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, और अगर जूम पर हम कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर रहते हुए क्लास ज्वाइन करना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार है, और अगर जूम पर हम अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहें, आईडी बनाना चाहें, तो वो कैसे बनेंगी? तो इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों ने अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने Zoom लिख के सर्च करना है, Zoom फॉर विंडो या Zoom डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, या कुछ भी आप लिख के सर्च कर लें। तो ये आपके सामने, ये आप वेबसाइट देख लीजिए, Zoom की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने यहाँ तक पहुँच जाना है और उसके बाद आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक डाउनलोड का बटन है। वैसे तो अक्सर औकात यही होता है कि जब हम इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो Zoom खुद ब खुद ही डाउनलोडिंग पे लग जाता है, या डाउनलोड की एक छोटी सी विंडो हमारे सामने आ जाती है, तो हम उस पर क्लिक करके Zoom को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुद ब खुद डाउनलोडिंग स्टार्ट ना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें, वैसे अक्सर औकात ये वाली जो विंडो अभी आपके सामने ओपन हुई है डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने पर, तो ये विंडो खुद ब खुद ही जब हम Zoom की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ये विंडो खुद ब खुद ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर सेव फाइल पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ सेव फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये तकरीबन 15 MB की फ़ाइल है, ये कंप्लीट भी हो चुकी है। यहाँ ये फोल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये Zoom इंस्टॉलर, यहाँ हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो चंद ही मिनट के अंदर ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर ये लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। जस्ट आपने क्लिक करना है और ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर ये एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर ज्वाइन अ मीटिंग है और यहाँ पर साइन इन है। अब यहाँ पर अगर आप Zoom में साइन इन हुए बगैर क्लास ज्वाइन करना चाहें, जिस तरह मोबाइल में तरीका है वही बिल्कुल तरीका कंप्यूटर या लैपटॉप में भी है। आपने जस्ट ज्वाइन अ मीटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने कैमरे को ऑफ कर देना है ताकि आपका कैमरा क्लास के दौरान लैपटॉप का शो ना हो। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पर अलसुफा ऑनलाइन लिखा हुआ है तो आप अपना नाम लिख लीजिए, और यहाँ पर आपको जो क्लास की आईडी दी गई है वो आपने यहाँ पर दे देनी है। जब आपकी क्लास की आईडी यहाँ पर आप पुट कर देंगे उसके बाद यहाँ ज्वाइन पे आपने क्लिक करना है, तो उसके बाद ये आपसे क्लास का पासवर्ड मांगेगा। तो आपने जैसे ही क्लास का पासवर्ड देना है तो आप क्लास में इन हो जाएंगे। ये तो था तरीका क्लास ज्वाइन करने का। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कंप्यूटर या लैपटॉप में रहते हुए Zoom पर अपना अकाउंट क्रिएट करना हो तो उसका क्या तरीका है। आपने सिंपल साइन इन पे क्लिक करना है। अगर तो आपका अकाउंट Zoom पर बना हुआ है तो आपने यहाँ पर अपना ईमेल देना है और यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड दे देना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अपना ईमेल दे देता हूँ, स्कूल
अब यहाँ पर आप अपना पासवर्ड दे देंगे, चौताली। अब यहाँ पर आप साइन इन कर देंगे, और अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको बार बार ये पासवर्ड ना देना पड़े यहाँ पर, या ये जो आपका ईमेल है, तो आप यहाँ पर इसको चेक कर देंगे। बहरहाल मैं इसको चेक नहीं करता, ना ही मैं साइन इन करूँगा। ये तो उनके लिए है कि जिनका जूम पर अकाउंट बना हुआ है, और अगर आपका जूम पर अकाउंट नहीं बना हुआ तो उस सूरत में दो तरीके हैं। एक यहाँ पर साइन अप फ्री लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ से आप इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसका भी मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ, लेकिन उससे आसान तरीका ये है कि आप साइन इन विद गूगल कर लें। अगर आपके ब्राउज़र में आपका अकाउंट गूगल का लगा हुआ है तो आप साइन इन विद गूगल करेंगे तो वो जो ईमेल और पासवर्ड आपका गूगल में लगा हुआ है वही आपका यहाँ जूम में लग जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप साइन इन विद फेसबुक करेंगे तो जो फेसबुक पर आपका ईमेल और पासवर्ड है उसके साथ आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उस सूरत में आपने साइन अप फ्री पे क्लिक करना है तो आप इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर ये देखें साइन अप इट्स फ्री, यानी ये बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पर अपना अकाउंट बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और बाकी जो भी यहाँ पर ये चीज़ें पूछेगा, आप यहाँ पर डेट शेट देंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत आसानी के साथ जिस तरह आम चीज़ों का अकाउंट बनता है, फेसबुक का या जीमेल का या जो भी, अगर आपको वो अकाउंट बनाना आता है तो बिल्कुल उसी तरह ही यहाँ पर भी जो जो ये मालूमात आपसे पूछता जाएगा आपने वो देते जाना है, तो उसके बाद फौरी तौर पर आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों चीज़ों की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि अगर हम जूम को अपने कंप्यूटर लैपटॉप में डाउनलोड करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, उसको इंस्टॉल करना चाहें तो उसका क्या तरीका है, और कंप्यूटर लैपटॉप पर जूम की क्लास को ज्वाइन करना चाहें तो उसका क्या मेथड है, और अगर हम यहाँ पर कंप्यूटर लैपटॉप में रहते हुए जूम पर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहें, या सादा लफ्ज़ों में ये कह लें कि अपनी आईडी बनाना चाहें कि आपकी भी जूम की एक ख़ास आईडी हो जो आप किसी को देकर एक क्लास का वो सिलसिला जो होता है वो कर सकें, तो उसका क्या तरीका है, ये सारी चीज़ों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल चुका होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर दें, और इस वीडियो के हवाले से कमेंट में फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा असुफा ऑनलाइन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह की मुफीद और मालूमती वीडियोज़ अपलोड की जाएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।